12 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग देख लेते हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, और उसका डिस्क्रिप्शन भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे डिटेल में। क्वेश्चन पूछा गया है कि गूगल हैज़ मेड ए डूडल, गूगल ने अभी डूडल बनाया है स्वामी जयंती पर किस भारतीय का, ये क्वेश्चन है किस भारतीय का बनाया है, तो इसका आंसर है विक्रम साराभाई। एक बार आप लोग देख लें, जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार देख लीजिए विक्रम साराभाई साहब कैसे लगते हैं। तो इनके बारे में और फैक्ट जानने के पहले हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि 100 साल इनका पूरा हो चुका है, पहली बात। और दूसरी बात कि 100 साल इट मीन्स कि 12 अगस्त 1919 को इनका जन्म हुआ होगा, और आज 100 साल पूरा हो गया है 12 तारीख को। इनका जो जन्म हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था, बर्थ अहमदाबाद में हुआ था, और ये मरे थे तिरुवनंतपुरम में, मृत्यु हुई थी तिरुवनंतपुरम में 30 दिसंबर 1971 को। तो इनका डूडल बनाया गया है, और यहाँ पे तो नहीं है बट इसमें इन्होंने इनको अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष का जनक भी कहा, अंतरिक्ष विकास का जनक भी कहा जाता है, और इसरो की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इसके अलावा IIM अहमदाबाद जो है वहाँ पे भी इनके इनका अहम रोल है, कुछ वहाँ के जो उद्योगपति थे उन लोगों को मिलाकर इन्होंने अहमदाबाद IIM अहमदाबाद की भी स्थापना करवाई थी। इनकी इस उपलब्धि के कारण इनको पद्म विभूषण और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिल चुका है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है इनको, अब तो है नहीं तो किया जा चुका ही होगा। और एक यहीं पे फैक्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर नीचे नहीं करेंगे। यहाँ पे ये है कि विक्रम लैंडर, अच्छा एक चीज़ और, पूरे एक साल इनका 100 साल पूरा हुआ है। अब देखो कोई भी 100 साल, जब जैसे ही क्वेश्चन 100 साल वाला या 50 साल वाला या 25 साल वाला फैक्ट होता है वहाँ से क्वेश्चन बनता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो 100 साल वाली बात है, तो ये अब 100 साल पूरा हुआ है इसलिए पूरे एक साल तक विक्रम साराभाई के नाम पे सेलिब्रेशन किया जाएगा। इसके लिए 100 शहर को चुना गया है, जिसका स्टार्टिंग अहमदाबाद से होगा, और अहमदाबाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया है। इट मीन्स अहमदाबाद में कर दिया गया है, और लास्ट कहाँ होगा, तिरुवनंतपुरम में। कब होगा, 12 अगस्त 2020 को अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम को स्टार्टिंग और लास्ट के लिए इसलिए चुना गया है कि इनका जो जन्म था वो अहमदाबाद में हुआ था, और मृत्यु तिरुवनंतपुरम में हुई थी। तो इसीलिए इसका स्टार्टिंग अहमदाबाद में किया गया, और समाप्त 2020 में 12 अगस्त 2020 को तिरुवनंतपुरम में होगा। अब यहाँ एक फैक्ट ये है कि किसका नाम विक्रम लैंडर रख दिया गया है। तो अभी इसरो, चूँकि चंद्रयान मिशन 2 अभी लॉन्च हुआ कुछ दिन पहले, तो चंद्रयान मिशन 2 का नाम बदल दिया गया है, चंद्रयान 2 का नाम एक्चुअली बदल दिया गया है, और उसका नाम विक्रम रख दिया गया है, तो उसी को विक्रम लैंडर कहते हैं। तो चंद्रयान 2 का नाम बदलकर विक्रम लैंडर कर दिया गया है। ये एक फैक्ट है आज जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, यहाँ पे भी फैक्ट है कुछ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब से अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित होंगे? 5 तारीख को इसके लिए प्रोविजन लाया गया था, राष्ट्रपति साहब ने इस पे हस्ताक्षर कर दिया है, और 13 तारीख से ये इफेक्ट में आ जाएगा, यानी 13 तारीख से ये प्रभाव में आ जाएगा। और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, पहले ही आपको पता है कि लद्दाख को अलग प्रोविंस बना दिया गया था, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर एक, लद्दाख अलग, इनको मिला के यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। अब पहले से 7 थे, अब कुल 2 और यूनियन टेरिटरीज के अंदर जुड़ जाएंगे, तो कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। अभी तक जो फैक्ट है इसका वो ये है कि सबसे बड़ा अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता था तो आप लोग आंसर टिक करते थे क्या, तो आंसर आप करते थे अंडमान एंड निकोबार। लेकिन अब जब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा क्षेत्र एरिया वाइज केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है एरिया वाइज, तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। और पूछा अगर गया कि दूसरा एरिया वाइज दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लद्दाख इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अंडमान और निकोबार तीसरे पोजिशन पर पहुँच गया, तो ये यहाँ पे फैक्ट है। उसके बाद विक्रम लैंडर तो अभी हो ही गया, विक्रम लैंडर का चर्चा, तो विक्रम चंद्रयान 2 का जो नाम है वो विक्रम लैंडर कर दिया गया है, तो ये फैक्ट हम लोग अभी ने अभी डिस्कस कर लिया।
भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ट्रेन परिचालन यानी जो ट्रेन ऑपरेट किया जा रहा था उसको बंद कर दिया गया है। एक्चुअली 11 तारीख को पाकिस्तान के साथ समझौता एक्सप्रेस जो चलता था उसको बंद कर दिया गया है, समझौता एक्सप्रेस बंद कर दिया गया है दिल्ली से। एक और क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, पहले देख लेते हैं कि समझौता एक्सप्रेस कुल कितनी दूरी तय करती थी। इसका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर। तब आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है कि समझौता एक्सप्रेस 3 किलोमीटर, एक्चुअली एग्जैक्ट जो समझौता एक्सप्रेस है वो 3 ही किलोमीटर दूरी तय करती है। ये तो दिल्ली से जो अटारी के बीच में जाती है ना, दिल्ली से जो अटारी जाती है वो समझौता लिंक एक्सप्रेस है, और वहाँ अटारी में चेंज करना पड़ता है, वो एक्चुअली समझौता एक्सप्रेस है। तो समझौता लिंक एक्सप्रेस को ही कैंसिल कर दिया गया, और ये कैंसिल होते ही समझौता एक्सप्रेस कैंसिल हो गया। तो 11 तारीख से दोनों देश के बीच में समझौता एक्सप्रेस को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, समझौता लिंक एक्सप्रेस ट्रेन नंबर अगर पूछा जाए तो 14001 एक तरफ का, अप का और डाउन का फिर उसमें 2 कर दीजिए और कैंसिल कर दिया गया है। और उसके बाद लाहौर अटारी के बीच में चलने वाला जो ट्रेन था वो भी कैंसिल कर दिया गया। और कमाल बात तो ये है कि भारत ने सिर्फ कैंसिल किया, पाकिस्तान ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए, पाकिस्तान के रेल मंत्री हैं शेख रसीद साहब ने कहा कि अब समझौता एक्सप्रेस कभी नहीं चलेगा, हमेशा के लिए समझौता एक्सप्रेस को बंद कर दिया जाता है, इन्होंने कहा। और इनकी बात की पुष्टि की गई है किसके द्वारा, तो वहाँ की वहाँ के वित्त मंत्री के द्वारा और वहाँ के गृह मंत्री के द्वारा। होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी इसको कहा है कि नहीं भाई ऐसे ही है, समझौता एक्सप्रेस अब नहीं चलेगा, ऐसा इनका कहना था। एक्चुअली समझौता एक्सप्रेस पहली बार बंद नहीं हुआ है, समझौता एक्सप्रेस इसके पहले भी कई बार बंद हो चुका है। 1984 जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, 1992 जब बाबरी मस्जिद गिरा था, 2001 जब संसद पे हमला हुआ था, 2007 जब बेनजीर भुट्टो पे हमला किया गया था, तो इन सब टाइम में भी ट्रेन को रोका गया। पर ऐसी सिचुएशन शायद नहीं आई थी पहले, और इस लेवल पे पहले नहीं किया गया था। तो इस बार पाकिस्तान ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार नहीं, इस बार दोबारा नहीं चलाना है। चलिए, भारत भारत को किस देश के द्वारा मादक पदार्थ यानी ये जो ड्रग ट्रांजिट होता है उस लिस्ट में डाल दिया गया है। एक्चुअली पहले से ही शामिल था, ऐसा नहीं था कि पहली बार डाला गया है। तो ड्रग ट्रांजिट के लिस्ट में डाल दिया गया है। किसने डाला है? अमेरिका ने। किसने डाला? अमेरिका ने। तो अमेरिका ने डाल दिया है, ये एक फैक्ट है। और चाइल्ड केयर लीव महिलाओं के साथ साथ सैनिकों को भी दिया जाएगा। तो इसके अंदर जो फैक्ट है वो ये है, चाइल्ड केयर लीव जिसको CCLB कहते हैं, चाइल्ड केयर लीव, अब ऐसे ऐसे मेल सैनिक जो हैं जो अकेले रहते हैं उनको भी अपने बच्चों को केयर करने के लिए दिया जाएगा। और इसके अंदर कुछ और चेंजेस लाए गए हैं, जैसे चाइल्ड केयर लीव है, पहले कम से कम अगर किसी एक बार लेना है तो कम से कम 15 दिन के लिए लेना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इसको 5 दिनों के लिए भी लिया जा सकता है। तो मिनिमम जो 15 दिन था उसको घटा के 5 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा 40% विकलांगता वाले बच्चे के मामले में 22 साल की जो उम्र सीमा थी CCL लेने की उसको भी अब हटा दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे एक फैक्ट छूट गया है, वो ये है कि विश्व की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, सॉरी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा Reliance Jio। रिलायंस के पास कुल 34 करोड़ कस्टमर हैं। ठीक है, तो 34 करोड़ कस्टमर के साथ भारत की तो सबसे बड़ी कंपनी है ही है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके साथ ये है कि यह जियो गीगा फाइबर स्टार्ट करने जा रही है। 5 सितंबर से ये स्टार्ट हो जाएगा, और 5 सितंबर से स्टार्ट किया जाएगा। इसके अंदर 100 Mbps से लेके 1 Gbps तक की स्पीड होगी, और इसके अंदर जो टैरिफ है वो 700 से लेके 10,000 तक का टैरिफ होगा। माने गीगा फाइबर है एक्चुअली इसका, जियो का जो है ना हाई स्पीड इंटरनेट सेवा है ये। और इसके साथ 40 डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है एक बार में, 40 डिवाइस को एक बार में कनेक्ट किया जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर कल जो फैक्ट होगा उसके साथ हम लोग आएंगे।
यहाँ पे ये ध्यान, दो तीन फैक्ट मैं बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखना है। वो ये ध्यान रखना है कि पहले विक्रम साराभाई का डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त 2019, ये याद रखिएगा। कितने देशों, कितने राज्यों, कितने जगह को शामिल किया गया है एक साल जो सेलिब्रेट किया जाएगा उसके लिए, तो उसका आंसर है 100 जगह को शामिल किया गया है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, अहमदाबाद में, अंत कहाँ से हो रहा है, तिरुवनंतपुरम में। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद यूनियन टेरिटरी के मामले में जम्मू एंड कश्मीर सबसे बड़ा हो गया, लद्दाख दूसरा हो गया एरिया वाइज, ये भी ध्यान रखिएगा। विक्रम लैंडर किसका नाम दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली है सभी, बट तब भी इतना तो याद रखिएगा।